Assalamualaikum my YouTube family, कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं कुकिंग फॉर यू बाय अमारा। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह पाक आप सब लोग को बहुत बहुत खुश रखे और आप सबको ईद मिलादुन नबी की खुशियाँ देखनी नसीब फरमाए। हम ईद मिलादुन नबी की नस्बत से आप बहुत मज़ेदार यम्मी सा केक बनाने जा रहे हैं ब्लैक फॉरेस्ट, जो कि बहुत मज़ेदार बनेगा। और ये रेसिपी आप एंड तक देखिएगा प्लीज़, क्योंकि ये डिटेल्ड वीडियो है बहुत, और अगर आप इसको फॉलो करके केक बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत और बहुत मज़े का केक बनेगा। चलें जी स्टार्ट करते हैं। जी जो हमें केक के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले मैं वो बताऊंगी, पहले मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी। हमें यहाँ पे 1/2 कप मैदा लिया है, इसको अच्छे से छान लिया मैंने। मैंने ये 1/4 कप पाउडर्ड शुगर ली, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। 1/4 कप कोको पाउडर को भी मैंने छान के इसमें रख लिया था। 3/4 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर की ली है। 1/2 टीस्पून सॉल्ट, ये हमने एक बाउल लिया, ड्राई बाउल, इसमें हम अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। ये मैदा, पाउडर्ड शुगर, ये बेकिंग पाउडर और सॉल्ट, 1/4 कप कोको पाउडर, इसे मिक्स करूँगी अच्छे से। यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 पिंच बेकिंग सोडा भी ऐड किया है, इससे ये होगा कि केक थोड़ा और फूलेगा और सॉफ्ट भी बनेगा। यहाँ पे मैंने अंडे की सफेदियाँ और अंडे की जर्दियाँ अलग अलग कर ली थी, 2 अंडे लिए हैं मैंने। पहले हम सफेदियों को बीट करेंगे, अंडे की ये जो एग वाइट्स हैं, ये थोड़ी सी जर्दी मुझसे ऐड हो गई थी, खैर कुछ नहीं होता। स्पीड स्लो करेंगे थोड़ी 2 मिनट के बाद। इसमें हम 1/3 कप चीनी ऐड करेंगे, सो दैट ये थोड़ा क्रीमी हो जाए। इसे हम हाई स्पीड पे बीट करेंगे। स्पीड स्लो करेंगे थोड़ी देर, लाइक फॉर 1 मिनट। ये आप देख सकते हैं एग वाइट्स क्रीमी लग रही हैं। अब हम इसमें अंडे की जर्दी ऐड करेंगे। हम ये थोड़ी थोड़ी करके ऐड करेंगे और बीट करते जाएंगे। बाकी की जर्दी स्लो स्पीड पे बीट करेंगे। मिक्सचर में 6 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे, 3 to 4 टेबलस्पून ऑफ मिल्क और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस। वनीला एसेंस हम इसलिए ऐड करेंगे ताकि हमें एग्स की स्मेल ना आए। ये वनीला एसेंस, 6 टेबलस्पून ऑफ ऑयल ताकि स्पंज जो है वो सॉफ्ट बने। उसे थोड़ा और सॉफ्ट करने के लिए दूध, हम इसे फ्यू सेकेंड्स के लिए बीट करेंगे। अवन प्रीहीट करने के लिए ऑन कर दिया है 30 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे, और ऊपर नीचे दोनों रॉड्स ऑन किए हैं, दोनों ग्रिल्स। अब हमने ये एग्स के मिक्सचर में जो पहले मिक्सचर लिया था उसको थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐसे फोल्ड करते जाएंगे और बहुत हल्के हाथ से, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, एक साथ नहीं ऐड करना। बहुत स्पीड में से नहीं बीट करना, लाइक फोल्ड नहीं करना, ऊपर से नीचे ऐसे स्पून लाना। ये देखिए ये अच्छे से फोल्ड हो चुका है, नॉट टू रनी नॉट टू थिक। ये हमने केक मोल्ड लिया है, इसको मैंने बटर पेपर से ग्रीस कर लिया था ताकि नीचे केक स्टिक ना करे मेरा। अब मैं इसको इसमें ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे क्रीम को व्हिप करना है फ्रॉस्टिंग के लिए, और ये हमारी टॉपिंग्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ये हमने पाउडर्ड शुगर ली है, इसको भी हम अपनी व्हिप्ड क्रीम में ऐड करेंगे। नेस्ले की व्हिपिंग क्रीम यूज़ की है, आप कोई भी कर सकते हैं।
ये फ्रूट कॉकटेल का सिरप था। आप चाहें तो अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, क्योंकि फ्रूट कॉकटेल इस केक में ऑप्शनल है, क्योंकि ये ब्लैक फॉरेस्ट है, इसमें चेरीज मस्ट हैं, तो आप अपना शुगर सिरप पानी बॉईल करके बीच में शुगर ऐड करके और उसे ठंडा करके वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये अवेलेबल था तो मैंने यही यूज़ किया। ये मैंने कैंड चेरीज ली हैं, रेड चेरीज। ये फ्रूट कॉकटेल, ये एक अदद केक डेकोरेटर इंस्टेड ऑफ अ पाइपिंग बैग। सबसे पहले हम व्हिपिंग क्रीम को एक बॉल में ऐड करेंगे। अभी फिलहाल मैं एक ही डब्बा खोलूंगी जो 200 ml का है, अगर मुझे और ज़रूरत हुआ तब मैं बाकी ऐड करूंगी। ये मैंने 1/3 कप पाउडर्ड शुगर ली थी, इसका हाफ मैं ऐड करूंगी क्योंकि अभी मैंने जस्ट एक डब्बा क्रीम का ऐड किया है। अब हम इसको हाई स्पीड पे बीट करेंगे। ये देख सकते हैं हमारी क्रीम स्टिफ हो रही है। ये हमारी क्रीम व्हिप हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं केक बेक हो चुका है। इसे हमने दो हिस्सों में कट कर लिया था मिड से, और स्पंज ये देखें वेरी सॉफ्ट। अब हम असेंबल करेंगे इसको। ये सबसे पहले हम इस पे सिरप ऐड करेंगे, शुगर सिरप, ताकि स्पंज सॉफ्ट हो। अब हम इस पे चेरीज लगाएंगे फर्स्ट लेयर। अब हम इसमें फ्रूट कॉकटेल ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है। थोड़ी सी और चेरीज। अब हम क्रीम लगाएंगे, व्हिप क्रीम। ये हम इस पर टॉप लेयर लगाएंगे, ये देख सकते हैं। अब हम इसे ऊपर से कवर करेंगे। ये मैंने डार्क कुकिंग चॉकलेट ली है इटालियानो की, इसको मैंने इस तरह क्रश कर लिया था, आप देख सकते हैं प्लेट में। ये जी हमारा ईद मिलादुन्नबी का स्पेशल केक रेडी है, आप देख सकते हैं। ये मैंने ऊपर फोंडेंट जो बनाया था उससे नालेन पाक की शेप दी है। कोई भी क्वेश्चन हो इस रेसिपी से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Yummy!